हेलो एवरीवन, दिस इज़ भाविका। आज हमारे साथ यहाँ पे है मिस्टर बद्रुल हसन, जिनका हमारे यहाँ पे स्पाइन सर्जरी हुआ है, L5S1 मिनिमम इन्वेसिव माइक्रोडिस्टेक्टमी। इनका सर्जरी हमारे यहाँ 16 जून को हुआ था और आज 18 जून को इनका डिस्चार्ज है। सो आइए जानते हैं इनको कैसा फील हुआ यहाँ पे सर्जरी करके। मेरे कमर में और पैर में, कमर के तो कंधे में भी दर्द हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ कमर में थोड़ा मोड़ा दर्द बाकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता अब कि मैं 7 साल झेला और डर की वजह से भाग रहा था। आपको मतलब पहले क्या क्या तकलीफ हो रही थी और अभी आफ्टर सर्जरी आपको कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ है? मुझे सिर्फ पहले कमर में थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन होने के बाद पैर में होने लगी, फिर कंधे में भी होने लगी। फिर मैं डाइंट से मिला, उन्होंने मुझे सब राय मशवरा दिया, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बाद में फिर मैं भाग के इनके पास आया और देखिए मैं आज एकदम ठीक हूँ, बस हल्का फुल्का कमर में रहेगा। अभी 2 दिन हुआ है, अभी इतनी जल्दी तो जाने वाला नहीं है। तो एक्चुअली आपकी सर्जरी के बाद आप कितना देर में खड़े होकर चलने लगे थे? 10 घंटे के बाद सुबह में ही शाम में डॉक्टर साहब आए, उठा के मुझे चलाने लगे। इतनी सर्जरी करा के सोए थे, मैं सोया था मुझे याद है, वो डॉक्टर साहब आए, मेरा पैर बोले पैर हिलाइए, मैं पैर हिलाने लगा। जैसे आपने पहले कहा था कि आप सर्जरी के लिए डर रहे थे, लेकिन अभी आप सर्जरी आपने कराई है, तो अभी आप लाइक बाकी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्जरी के लिए डरते हैं, वो लोग ये कोशिश करते हैं कि नहीं चलो मेडिसिन से हो जाएगा, बट आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं भी तो ये डर रहा था, फेक वीडियो इनकी ये सब बातें सुन के देख के ऐसा लगा नहीं मैं भी हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पहले का दौर था, पहले का था, अब दूसरे का दौर है। अब टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे यकीन मत करिए। आइए यहाँ देखिए ये पीछे है, आगे करा के जाइए। आपका ओवरऑल फिर हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा है यहाँ के, हर चीज़, हर सुविधा, लोग, डॉक्टर साहब, सब कुछ। चलो थैंक यू, आपका जो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, बाकी के लोगों को भी वो हेल्प होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप और भी अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाए। ओके ओके, थैंक यू।